हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इन दोनों का अंतर बताऊंगी। फैबर कैस्टल ड्राइंग पेंसिल एंड आर्ट लाइन पेंसिल, दोनों में से कौन बेस्ट है? तो आप इस वीडियो को फुल देखें। ये है, इसमें इस तरह का है, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 8V, और ये HV, 2V, 4V, 5, 6V, 8V, 10V। इसमें नंबरिंग कुछ अलग टाइप है। अभी देखेंगे हम लोग खोल के कौन सा वेस्ट होता है, यूज कर कर के भी देखते हैं। ऐसे तो ये आपको 50 रुपये में मिल जाएगा, ये इससे सस्ता है, और ये आपको 70 का मिल जाएगा। आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट अभी हम यूज करके देखेंगे कौन सा, ये दोनों में से बेस्ट कौन है, कौन सा हम लोगों को यूज करना चाहिए बिगनर को। अभी पहले इसको देख लेते हैं। खुल जा, देखो ये हम नंबरिंग पहले सही कर लेते हैं। ये कौन सा, 3V, 2V, 5V, इधर ये देखो, बारी बारी से हम लोग देखते हैं। धनुवी,
ये थे हमारे ये फाइबर कस्टल पेंसिल ड्राइंग पेंसिल। ये हम लोग अभी पेपर स्टम्प से ब्लेंड करके देखेंगे। हो गया, अभी हम आर्ट लाइन पेंसिल का यूज करके देखेंगे। ये हमारा आर्ट लाइन, ये हमने नंबरिंग वाइज सही कर लिया। एच बी, टू बी, फोर बी, सिक्स बी, 8B, 10B। अभी हम इसे पेपर पे यूज कर कर देखते हैं। अभी हम इसे भी पेपर स्टम्प से ब्लेंड करके देख लेते हैं।
ये देखो इसके मुताबिक ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। ये इसके मुताबिक ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, स्मूथ स्मूथ लग रहा है ब्लेंड करने में। ये 4V काफ़ी स्मूथ लग रहा है और काफ़ी इजी से ब्लेंड हो रहा है। वो उसमें थोड़ा हार्ड लगा था। नेट भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ ब्लेंड करने में इसे मज़ा आ रहा है। आर्ट लाइन पेंसिल वाला टेक्सचर हमें ब्लेंड करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। ये काफ़ी स्मूथ है, ये थोड़ा ठीक ठाक है, बट आप लोगों को बता देती हूँ इसके मुताबिक ये ज़्यादा बेस्ट है। ये ज़्यादा का नहीं है बट ये 50 का, ये 70 का, 20 रुपया ज़्यादा है, बट ये आप लोग लोगे बेस्ट होगा बिगनर के लिए। बिगनर हम लोग से कोई भी इस्तेमाल इसे कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छी ड्राइंग होती है। तो मैं ही यही रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, यही आप लोग बाय करना जब भी लेना। तो ये काफ़ी स्मूथ भी है और इससे ड्राइंग भी अच्छी होती है। जैसा कि हमने बताया इसे ब्लेंड करने में बहुत ही सुविधा होती है। ये थोड़ा हार्डली है और ये सॉफ्ट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।